तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हेयर एंड बियर्ड को किस तरीके से सेट करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया आउटलाइन के बारे में कि किस तरीके से आप एक एक्यूरेट आउटलाइन बना सकते हो। अगर आपने नहीं देखा अभी तक, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, या फिर आई बटन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेट करने के लिए जो मीडियम यूज़ कर रहा हूँ वो है चारकोल। चारकोल पेंसिल और चारकोल स्टिक की मदद से हम लोग सेट करेंगे। तो गाइस, सेटिंग स्टार्ट करने से पहले रेफरेंस को हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जो एरिया है हेयर का वो कंप्लीट डार्क है। फ्रंट में आपको थोड़ा सा हाईलाइट दिखेगा, तो हम इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें हाईलाइट आगे करना है। और बैक साइड में आप देखो, वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, तो वो जब हम बैकग्राउंड बनाएंगे तब हम उसको वहाँ पर हाईलाइट प्रोवाइड करेंगे हल्की सी। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो एक चारकोल स्टिक की ज़रूरत होगी, उसके बाद ये चारकोल पेंसिल सॉफ्ट और हार्ड मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद मोनो ज़ीरो इरेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट प्रोवाइड करने के लिए, और एक नीडेड इरेज़र अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं और छोटे छोटे एरियाज़ हैं उसको हम पेंसिल से ही कवर करेंगे। जो बड़ा एरिया है, थोड़ा सा बड़ा एरिया है, उसको हम स्टिक से यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ब्लैक करने के लिए हम स्टिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बाउंड्रीज जो है मार्क कर लेता हूँ। तो गाइस, इस वाले एरिया में मैं पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा शेडिंग के लिए, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है। और यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखोगे तो बहुत ही हल्की सी हमें हेयर का डायरेक्शन दिखेगा। तो हेयर का डायरेक्शन में हम शेडिंग कर देते हैं। कंप्लीट ब्लैक चाहिए हमें, तो कोई इशू नहीं है, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चारकोल स्टिक, और आपको रेफरेंस में पता चल जाएगा कि हेयर किस तरीके से जा रहा है, हेयर का डायरेक्शन क्या है। उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, एरिया को पूरा डार्क कर देंगे। वैसे ब्लेंडिंग के बाद पूरा कंप्लीट ब्लैक ही हो जाएगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पर शेड करते हैं, स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो होगा क्या कि जो हम हाईलाइट प्रोवाइड करने वाले आगे, वहाँ पर हमें हेल्प मिल जाती है। तो गाइज़, अब बारी आती है ब्लेंडिंग करने की, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ हार्ड ब्रश। अगर आपके पास बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है तो वो काम नहीं आने वाला है, बहुत मुश्किल होगी उससे चारकोल को मिक्स करने में। अगर आपके पास मीडियम हार्डनेस की भी ब्रश है उससे वो भी काम आ जाएगा। तो आप देख लेना कि बिल्कुल जो सॉफ्ट ब्रश होती है वो काम नहीं आएगी, हार्ड ब्रश है बहुत अच्छा है। मीडियम हार्डनेस की भी ब्रश है तो दो तीन बार वहाँ पर ब्लेंड करने से वो मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो गाइस, हमने ब्लेंडिंग कर दी है। अब जो कॉर्नर्स हैं हेयर के, जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं ग्रेफाइट का यूज़ कर रहा हूँ, 4B पेंसिल मैकेनिकल वाली। और यहाँ पे इस तरीके से मैं टेक्सचर प्रोवाइड कर दूँगा जिससे जो हेयर है वो रियलिस्टिक दिखेगी। तो गाइस, अब आ रही है हाईलाइट प्रोवाइड करने की, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस को ध्यान से देखना है, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे लाइंस, जो भी आप लाइंस हाईलाइट के लिए ड्रॉ करोगे, कहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, आपको अच्छे तरीके से वो देखना है। और वैसे चारकोल पे हाईलाइट प्रोवाइड करना ईजी है ग्रेफाइट के कंपेरिजन में, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हल्के हल्के आप मोनो ज़ीरो इरेजर जो भी आप उसके ऊपर चला रहे हो हाईलाइट देने के लिए, हल्के हल्के चलाओ, वहाँ पे भी प्रेशर नहीं देना, नहीं तो वो दाग जैसा कुछ बन जाता है। तो अगर आप एक बार आपने चलाया वहाँ पे हाईलाइट वाइट नहीं हुआ, लाइन नहीं बनी वाइट वाली, तो उस पर दो तीन बार आपको चलाना पड़ेगा, तो जैसा आप जिस तरीके का आप हाईलाइट चाहते हो वैसा वो प्रोवाइड हो जाएगा।
गाइस यहाँ पे मुझे बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि किस तरीके से मैं ग्रिड को इरेज करता हूँ और क्या यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं वैसे यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जो ग्रिड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट बनाता हूँ, और वो वहाँ पे अगर मैं सेटिंग करता हूँ तो उसके साथ मिक्स हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ता मुझे इरेज़ करने की। लेकिन अगर आप इरेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप नीडेड इरेजर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे इरेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड का जो ग्रिड लाइन्स है उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है बियर्ड को शेड करने की, और यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे केवल कंप्लीट ब्लैक है, ब्लैक शेडिंग देनी, जहाँ पे कंप्लीट हमें ब्लैक शेडिंग करनी है, और कहाँ पे टेक्सचर देना है। तो जहाँ पे टेक्सचर देना है उसको हम अभी छोड़ देंगे, जो कंप्लीट ब्लैक एरिया है उसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ इस तरीके से, और उसको हम पहले चारकोल स्टिक से कंप्लीट वहाँ पर डार्क कर देंगे। तो गाइस यहाँ तक हमारा जो प्रोसीजर था वो सिमिलर था, हमने यहाँ तक कंप्लीट प्रोसीजर कर दिया। बारी आती है डिटेल को ऐड करने की, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैकेनिकल पेंसिल जिसमें लगी है 4B की लीड डिटेल को ऐड करने के लिए। अब देखो छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे डिटेल ऐड करनी है वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है ग्रेफाइट पेंसिल की। जो कंप्लीट डार्क एरियाज़ थी उसको हमने चारकोल से कंप्लीट कवर कर लिया है, अब यहाँ पे हम डिटेल ऐड करेंगे ग्रेफाइट से। तो गाइस यहाँ पे डिटेल के लिए हमें छोटे छोटे रैंडम लाइंस ड्रॉ करने हैं क्योंकि वहाँ का जो बियर्ड का साइज़ है बहुत छोटा है। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट लेयर के लिए मैं यूज़ करूँगा HB पेंसिल, उससे हम कुछ लेयर डाल देंगे, छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ कर देंगे, जितना हमें वॉल्यूम चाहिए उतना ज़्यादा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 4B पेंसिल जहाँ पे हमें जो एरिया को हमें डार्क करना है उसको हम वहाँ पे 4B पेंसिल से हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको हमें कंप्लीट डार्क करना है लेकिन वो एरिया बहुत छोटा है, और वहाँ पे अगर मैं सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करता हूँ चारकोल वाली वो अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं हो पाएगी, और अगर मैं वहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ करता हूँ तो आपको पता है कि ग्रेफाइट साइन करता है और चारकोल साइन नहीं करता है, तो वो थोड़ा सा अजीब दिखेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हार्ड वाली चारकोल पेंसिल, और इससे हम अच्छे तरीके से डिटेल को ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे एरियाज़ में। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं जो डिटेल्स हैं उसके लिए मैं ये पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ।
बस गैस आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।